role of black money and black money, of black money and black money. This fight against corruption and corruption earned through corruption. Corruption against corruption to the corrupt. Fake currency, fake 500 and 1000 rupee notes, fake currency notes and fake currency. Problem of terrorism. अपने किताब के पहले पन्ने की पहली पंक्ति में यूवल नोआ हरारी, जो कि स्कॉलर हैं, एक फिलोसोफर हैं, साइंटिस्ट हैं, सोशल साइंटिस्ट हैं, लिखते हैं ह्यूमन थिंक इन स्टोरीज रैदर देन नंबर फैक्ट्स एंड इक्वेशंस, यानी कि हम लोग फैक्ट्स पे बात नहीं करते हैं, स्टोरीज पे बात करते हैं। इनकी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए प्रोफेसर नीलंजन सरकार बताते हैं कि डेटा जितना ज़्यादा मर्कियर होगा उसको मैनिपुलेट उसी हिसाब से किया जा सकता है और नैरेटिव को बदला जा सकता है। तो आपको कुल मिला के डेटा पे फोकस करना है, वो भी रिलायबल। किसी भी पॉलिसी को एनालिसिस करने के लिए 5 साल का वक्त काफ़ी होता है, इसीलिए 5 साल बाद आज डिमोनेटाइजेशन को मैं एनालिसिस करूँगा, लेकिन 3 पैमानों पे। ऑब्जेक्टिव ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अपनी स्पीच में बता चुके हैं, इम्पैक्ट और सबसे ज़रूरी मोरालिटी। तो आज इसी बारे में आज मैं आपसे बात करना चाहूँगा। शुरुआत बेसिक फैक्ट से करते हैं। जैसे ब्लैक मनी वापस आने की बात हुई थी, 15.4 लाख करोड़ में से 15.3 लाख करोड़ वापस आए, इसका मतलब ब्लैक मनी नहीं आया। टेररिज्म को खत्म करने की बात हुई थी, लेकिन टेरर का चार्ट कुछ और ही बताता है। 16 से लेके 2020 तक लोकसभा के आंकड़ों के हिसाब से कोई ज्यादा फर्क हमें देखने को नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये क्लेम भी सही साबित नहीं होता। फेक करेंसी को एलिमिनेट करने की बात हुई थी, लेकिन कुल 58 करोड़ की फेक करेंसी डिटेक्ट होती है 2016-17 से, जो कि मात्र 0.004% है डिमोनेटाइज करेंसी का, जो कि ना के बराबर होता है। कैश लेस इकोनॉमी की बात हुई थी, यानी कि लेस कैश इकोनॉमी की बात हुई थी। 64% तक कैश बढ़ चुका है हमारी इकोनॉमी में, जो कि 18 लाख करोड़ से 29 लाख करोड़ पे पहुंच चुका है। नोट बैन डिजिटलाइजेशन को बढ़ाएगा, ये भी ठीक तरीके से साबित नहीं होता है, क्योंकि ये एक्चुअल में बढ़ ही रहा था शुरू से। तो आप इन चार्ट्स पे ज़रा ध्यान कीजिएगा, 2012-13 में जहां 30% था, 2016-17 में 20%, फिर 20%, फिर 20%, तो ये इतना इम्पैक्ट इस पर नहीं रहा। उसके बाद में आप इसे कह सकते हैं, जब महामारी का दौर आया तब इसमें ज़रूर बढ़ावा देखा जा सकता है। तो जिस GDP का बार बार आप नाम सुनते हैं, तो उसके नीचे जाने की शुरुआत भी इसी लम्हे से शुरू होती है, इस चार्ट से आप उसे देख सकते हैं। और सबसे ज़रूरी, फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट। किसी भी इकनॉमी को नापने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें महिलाओं की भागीदारी कितनी है। इस पॉलिसी का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा अगर किसी पे हुआ तो वो है महिलाएं। मेल और फीमेल किसी इकोनॉमी में 100 रेशो के हिसाब से अगर काम कर रहे हैं, 13.5% उसमें महिलाएं हैं, जो कि ऑलरेडी कम है, वो घट के 6.9% पे आ जाता है, और वो इसी डिमोनेटाइजेशन के बाद शुरू होता है। यानी कि फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट गिरना जो शुरू हुआ, वो इस डिमोनेटाइजेशन की वजह से ही गिरना शुरू हुआ। कैश टू GDP रेशो, यानी कि कैश उस GDP के हिसाब से कितना है, ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही ब्लैक मनी होने की संभावना बढ़ेगी, उसका प्रचलन ज़्यादा होगा। 16 में जहाँ ये 11.5% था, वहीं आज ये 14.5% आ चुका है। तो कम होने की बजाय ये कैश बढ़ गया है, जो कि इस डिमोनेटाइजेशन का मकसद था ही नहीं। टैक्स टू GDP रेशो, यानी कि टैक्स उस GDP के हिसाब से बढ़ना चाहिए। अगर GDP बढ़ेगी निश्चित रूप से, तो आपका टैक्स भी बढ़ना चाहिए। तो ये इस डिमोनेटाइजेशन की वजह से नॉमिनल ही रहा है, जबकि टैक्स बढ़ना चाहिए। टैक्स कंप्लायंस बढ़ना अलग बात है, और कैश टू GDP रेशो घटना चाहिए, वो बढ़ रहा है। तो ये दो मेजर बहुत ज़रूरी हैं इस इकोनॉमिक पॉलिसी को डिटरमाइन, इसकी सक्सेस और फेलियर को देखने के लिए। हम सब जानते हैं 1990 के बाद से इनइक्वालिटी भारत में बढ़ती गई है, जो कि लिबरलाइजेशन पॉलिसी का एक नतीजा था। सौरभ मुखर्जी और हर्ष शाह अपनी रिसर्च में बताते हैं कि कैसे 2014 से 2019 तक 40% से टॉप 20 कंपनियों का 40% से मुनाफा बढ़ के 60% हो जाता है, जो कि एक्चुअल में मुनाफा जो बढ़ा वो 2016 की डिमोनेटाइजेशन के बाद बढ़ता है। तो इसका मतलब है टॉप 20 कंपनियों का जो प्रॉफिट बढ़ा है वो इन 20 कंपनियों को हुआ है। ये बात ठीक है कि नंबर बहुत कुछ बयान कर देते हैं, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि किसी का दर्द बयान नहीं कर पाते, किसी को कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है ये बयान नहीं कर पाते।
घर में किसी की शादी है उस पे क्या बीत रही है ये बयान नहीं कर सकते, बैंक कर्मी किस हालात से गुजरे हैं ये बयान नहीं कर सकते, लाइन में कितने लोग लगे हुए हैं ये हम पता कर सकते हैं, लेकिन कितने परेशानी लोगों को हुई ये पता नहीं कर सकते। बैंक में 4 लोगों की मौत होती है इस डिमोनेटाइजेशन की वजह से, सिर्फ 4 लोगों की सरकार के हिसाब से, लेकिन कितनों का मेंटल टॉर्चर हुआ ये हम पता नहीं कर सकते। इकोनॉमिक पॉलिसी का साउंड होना तो ज़रूरी है ही, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी रह सकती है नहीं रह सकती वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन इकोनॉमिक पॉलिसी का साउंड होने के साथ साथ उसका मॉरल ऑब्लिगेशन क्या है, उसका जस्टिफिकेशन क्या किया जा सकता है, ये भी सवाल पूछे जाना बेहद ज़रूरी है, जो मुझे इतना ढूंढने पे भी जवाब नहीं मिला। प्रोफेसर बालाकृष्ण 2 लोगों से आज की इस कंडीशन की तुलना करते हैं। व्लादिमीर लेनिन 100 साल पहले कहा था, अगर किसी कंट्री की इकोनॉमी को नष्ट करना तो उसकी करेंसी को आप नष्ट करिए, डिबॉश करिए, जो कि आज सेमी कैपिटलिस्ट कंट्री में देखी जा सकती है। मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसा ही कुछ डिसीजन लिया था, फोर्स इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, जो कि आज हम दूसरे कॉन्टेक्स्ट में हम ये देख पा रहे हैं। डॉक्टर बालाकृष्णन फ़र्क सिर्फ ये बताते हैं कि आज डेमोक्रेसी है, तो आप चीज़ों को समझते रहिए और इश्यूज़ पर नज़र बनाए रखिए। जय हिंद।